हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें ये चेक करते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी से किस तरह की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं FIIs और DIIs के डेटा के बारे में। अगर हम FIIs के बारे में बात करें तो उन्होंने 14 जुलाई के दिन अगर आप देखेंगे तो 12,486 करोड़ की बाइंग करी और 9,849 करोड़ की सेल करी, तो नेट में उन्होंने 2,636 करोड़ की परचेज करी। जबकि DIIs के बारे में आप देखेंगे तो उनकी बाइंग जो है वो सिर्फ 7,300 करोड़ के अराउंड की है, जब और उनकी सेलिंग 8,100 करोड़ की, और नेट में उन्होंने 7,772.45 करोड़ की सेल की है। अगर हम पूरे वीक की बात करें यानी 10 तारीख से बात करें तो DIIs ने 1,250 करोड़ की सेलिंग करी है जबकि FIIs ने 5,417 करोड़ की परचेज की है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्केट को FIIs ने संभाल के रखा है, अदरवाइज अगर ये भी सेल कर रहे होते तो मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी होती अब तक। अब अगर बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो यह है 14 जुलाई का डे। इस जुलाई को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लोज मिला है हमें 44,819.30 का, जो कि पिछले डे से 0.35% ज़्यादा होता है। और नेट में जो चेंज मिला है हमें क्लोजिंग टू क्लोजिंग वाइज, यानी कि जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी 44,665, उससे कंपेयर करेंगे तो मार्केट 154.25 पॉइंट्स ज़्यादा जाके क्लोज हुआ है। अगर इस पूरे वीक के बारे में बात करें तो इस पूरे वीक में बैंक निफ्टी के अंदर किसी खास तरह की मूवमेंट नहीं हुई। अगर आप ये नेट में देखेंगे तो ये देखिए सिर्फ 105.70 पॉइंट से बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट आई, जो कि ना के बराबर ही होती है। पिछले 5 दिनों में से 3 दिन बैंक निफ्टी लगातार नीचे की साइड क्लोज हो रहा था, जो आप यहाँ से देख सकते हैं चेंज कंपेयर करके। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लास्ट 2 दिन से बैंक निफ्टी ऊपर के साइड पर क्लोजिंग दे रहा है। चार्ट पे चलते हैं, इसे डे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं। ये देखिए अगर आप देखेंगे तो इस वाले डे से, अगर आप इस डे को देखेंगे तो इसकी क्लोजिंग यहाँ से थोड़ी ऊपर है और उसके बाद इसकी क्लोजिंग बहुत ऊपर है, जो कि 154 पॉइंट्स की हो रही है। ये पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। ये देखिए क्लियर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। मैं यहाँ से लाइन्स गायब करता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर दिखें। देखिए ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, इसका ब्रेकआउट होगा जब इस कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग होगी, 45,000 के ऊपर की क्लोजिंग होगी तो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। लेकिन वो किस वजह से, किस बेस पे हो रहा है, सिर्फ इस वाली लास्ट वाली कैंडल के बेस पे। ये देखिए अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ी क्लियरली विजिबल हो, इसे कर देते हैं हम ब्लू कर देते हैं। अब ये कैंडल यहाँ क्लोज हुई है तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर आएगी, और अगर ये कैंडल हमें 45,000 के ऊपर की क्लोजिंग दे देती है कुछ मान लीजिए यहाँ पर, तो ये क्लियरली इस पैटर्न का ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ हो जाएगा। यानी अगर 45,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो हम ये कह सकते हैं कि जो मार्केट है इस वाली लाइन से बाहर निकल चुका होगा। तो क्या हमें भाग के बाय करना चाहिए? नहीं, हम यहाँ भाग के बाय नहीं करेंगे। पहले मैं इस पैटर्न को कंप्लीट बनाता हूँ। अब देखिए अगर मार्केट यहाँ की क्लोजिंग दे देता है हमें 45,000 के ऊपर की, तो यहाँ पे एक चीज़ हो जाएगी कि मार्केट में बुलिशनेस आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मार्केट मान लीजिए कि हमें यहाँ की क्लोजिंग मिल गई, ये कौन सा लेवल हो रहा है 44,440 का, अगर इसके नीचे की क्लोजिंग मिल गई और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, पहले मार्केट यहाँ था, यहाँ से नीचे आता है और यहाँ पे हमें 44,440 के नीचे की क्लोजिंग मिल गई। अब इस क्लोजिंग के बाद अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाता है तो हम ये फ्लैग पैटर्न नहीं मानेंगे। क्यों? तब एक नया पैटर्न बन जाएगा जो कि कुछ इस तरीके का बन रहा होगा। तो हम ये सोचेंगे कि क्या मार्केट इस वाले पैटर्न में तो नहीं जा रहा, इसने अपना चैनल को जो इस तरीके से डाउनवर्ड था उसने इसे न्यूट्रल चैनल में तो नहीं शिफ्ट कर दिया, तो इस चीज़ की कन्फ्यूजन क्रिएट होगी पहले। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ कंसोलिडेट करे और फिर उसके बाद एक अपवर्ड चैनल की हमें यहाँ से मूवमेंट देखने को मिले। अब 15 मिनट के चार्ट को चल के देखते हैं और उसके साथ ही हम ऑप्शन चैन को भी एनालिसिस करेंगे। तो देखिए 15 मिनट के चार्ट से पहले ऑप्शन चैन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट 44,800 के पास चल रहा है। 44,800 पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चेंज इन OI कितना हुआ है, 43,000 हुआ है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे पुट कॉल साइड पे तो चेंज इन OI 10,000 हुआ है। यानी कि जो कॉल शॉर्ट करने वाले हैं उनका कॉन्फिडेंस कम है पुट शॉर्ट करने वालों से। तो मतलब ये है मार्केट 44,800 के पास सस्टेन करने की उम्मीद ज़्यादा है। और तो इसका मतलब ये है कि तो शायद मार्केट गैप अप खुल सकता है, जैसे कि लगातार पैटर्न में चल रहा, तो पॉसिबिलिटी बनी हुई है इसकी, पर कोई गारंटी नहीं है। अब उसके बाद मैं 44,900 के लेवल को नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि 44,000 अगर 800 के ऊपर खुलता है मार्केट तो ये ऑलरेडी 900 के लेवल को तो टच कर ही देगा या 900 के ऊपर ही निकल जाएगा, तो ये चीज़ हम हटा रहे हैं। फिर उसके बाद 45,000 का अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखिए OI कितना है, 1,10,000। और यहाँ 45,000 पे अगर हम देखें पुट साइड पे से 51,000 का OI है। यानी कि इस बात की उम्मीद है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे पहले से पोजीशन बना चुके हैं, जो 45,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस होने वाला है। उसके बाद अगर मैं यहाँ देखूँ 45,100 और 45,200,
तो यहाँ पे एक अच्छी ओआई क्रिएट हो रखी है 39,000 की और यहाँ पे 88,000 की। तो अगर हम दोनों को जोड़ दें तो ये कुछ 1,28,000 के अराउंड की हो रही है। और जबकि मैं इधर देख रहा हूँ तो यहाँ सिर्फ 6,000 है ओआई और यहाँ पे जो 45,200 पे है वो है सिर्फ 6,400। तो मिला के भी 12,500 के आसपास की हो रही है। मतलब कि 45,100 से 45,200 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस होने वाला है और 45,000 के ऊपर मार्केट जा सकता है, पर वहाँ पे भी सस्टेन करने की उम्मीद कम है। अभी तक मैंने आपको जो भी चीज़ बताई वो सारी मैंने आपको इस डेटा को देख के बताई है, लेकिन चार्ट पे मैं इस डेटा को कई दिनों पहले से ही फोकस करके रखा है मैंने, जो मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम यहाँ पर आते हैं, ये देखिए ये लेवल अगर आप देखेंगे 45,070 है और ये देखेंगे 45,132 है। अगर आप देखेंगे तो ये 100 से लेके 200 के बीच में जा रहा है 132। यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली नहीं करा क्योंकि मार्केट का देखिए जो रेजिस्टेंस हम सोचते हैं कि मेन रेजिस्टेंस होने वाला है, मार्केट उस रेजिस्टेंस से पहले ही रिवर्सल देता है हमेशा, और अगर उसके पास जाता है तो मोस्टली ये होता है कि उसे क्रॉस कर जाता है। तो ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, इसलिए हमें वो लेवल पिक करने पड़ते हैं जो मार्केट एक्चुअल में रिस्पेक्ट करे। तो ये कुछ इसी तरीके से बने हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इस बॉक्स को आगे क्लिक करूँ, ये देखिए मैंने इसे आगे ड्रॉ कर दिया। अब मार्केट ने इसे कल के डे पे भी करा था, जबकि कल के डे पे हमने इसे आगे ड्रॉ नहीं कर रखा था, लेकिन मार्केट ने इसे कम्प्लीटली फोकस किया, इस पर ध्यान दिया और इसकी रिस्पेक्ट करी। अब अगर कल मार्केट इस लेवल के, ये जो हमारा बॉक्स हो रहा है ठीक है 44,940 के करीब तक का ये बॉक्स है, इसके ऊपर कहीं पर ओपन हो गया, सपोज़ कीजिए कि मार्केट यहाँ ओपन हो गया है ठीक है 960 पे, अब क्या होगा, ये एरिया एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो जब तक मार्केट इस एरिया के अंदर है, इसका लो हो रहा है 44,890, मैं मार्केट को शॉर्ट नहीं करने वाला। क्यों? पहले तो मार्केट इसके नीचे था तो हम आंखें बंद करके शॉर्ट कर रहे थे, लेकिन अब नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट यहाँ है तो उम्मीद है कि मार्केट जाएगा 45,000 के पास। अब 45,000 के ऊपर तीन लेवल हैं, 45,000, 45,100, 45,200, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कॉल राइटिंग है वो हो रखी है। तो अब मैं क्या उम्मीद करूँगा कि मार्केट देखते कितना ऊपर जा सकता है। 45,200 यहाँ पे 180 का ये लेवल है ठीक है, 45,180 के पास क्या मार्केट में रिजेक्शन आना शुरू हो रहा है, मार्केट में कुछ इस तरीके की विकें बन रही हैं। अगर विक बनने लगेंगी तो मैं 45,200 का पुट ले लूँगा सीधा, और जो पहला टारगेट होगा वो सीधा यहाँ होगा 930 के पास, और उसके बाद नीचे निकलेगा तो नीचे ट्रेल करते हुए चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो 44,665 है ये फाइनल टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट बहुत ऊपर से नीचे आ रहा होगा। आप इसे कैलकुलेट करें तो ये देखिए यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑलरेडी 550 पॉइंट का हो जाएगा, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहीं बीच में घूम जाए। तो यहाँ जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था कल, तो हम इसे ही एक लेवल बना लेंगे कि ये बन गया लेवल हमारे लिए 765 का। तो यहाँ तक का हमारा सेकेंड टारगेट हो जाएगा और ये हो जाएगा फाइनल टारगेट। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसे, चलिए इसे यहाँ पर रहने देते हैं, ये भी एक और चीज़ में काम आएगा। अब देखिए ये तो हो गया जब मार्केट गैप अप ओपन होगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करते हैं? गैप डाउन में दो सिनेरियो हैं, एक मार्केट इस वाले जोन पे ओपन हो और दूसरा इस वाले जोन पे ओपन हो मार्केट। अगर अब मार्केट, सॉरी ये वाला गलत जोन है, इसे हटाता हूँ मैं, दूसरा जोन होगा इस पूरे इस लाइन को भी हटा रहा हूँ अभी, क्योंकि इससे समझने से दिक्कत आएगी। ये जब ऊपर से आएगा तब आप ये वाला लेवल कैलकुलेट कीजिएगा, अभी फ़िलहाल मैं हटा देता हूँ इसे। अब यहाँ पे देखिए गैप डाउन की सिचुएशन की हम बात कर रहे थे, गैप डाउन की सिचुएशन दूसरी यहाँ से है, ये रही। अब अगर मार्केट यहाँ से अगर ये ऊपर खुलता है जो पहला जोन हो रहा है और ये हो रहा है दूसरा जोन, कि यहाँ यहाँ से लेके इस कैंडल के लो से लेके ये वाले यहाँ लेवल से लेके यहाँ ऊपर तक खुल जाए, इस जोन में खुल रहा है यहाँ से लेके 930-800, ये है 44,890 से लेके ये क्या हो रहा है 44,720 तक, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्रेड लेने के लिए। मैं देखूंगा कि मार्केट क्या कर रहा है, किस तरीके से पैटर्न फॉर्म कर रहा है, उसके बाद ट्रेड का प्लान करूंगा, लेकिन इनिशियली लेवल पे मैं आउट हूँ मार्केट से। यहाँ खुलता है सेल का व्यू है, अगर मार्केट जितना नीचे खुलेगा यहाँ खुलेगा तो बहुत अच्छा सेल का व्यू है, यहाँ खुलेगा तो और भी ज़्यादा अच्छा सेल का व्यू है। लेकिन अगर मार्केट एकदम से गैप डाउन खुल गया, ये क्या हुआ, मार्केट यहाँ कहीं पर देखिए यहाँ कहीं पर गैप डाउन खुल गया, अब मैं वेट कर लूँगा वापस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो लेवल हो रहा है 44,440 का, उसके बाद 44,511 का, 511-530, ये लेवल बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं। यहाँ मार्केट खुलेगा तो एकदम से हो सकता है ऊपर आ जाए, और अगर मान लीजिए ऊपर से बहुत हाई प्रेशर है, नीचे से बहुत हाई प्रेशर है, तो इसी जोन के अंदर घूम के रह जाएगा। तो मैं यहाँ पर भी वेट करने वाला हूँ। बेस्ट सिचुएशन क्या है कि मार्केट यहाँ पर खुले, ये क्या हो रहा है 656 के पास कहीं पे खुले, और कुछ देर कंसोलिडेट करेगा ही करेगा। अगर नीचे खुलेगा तो कुछ देर कंसोलिडेशन बनना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर गया तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स एक्टिव हुए हैं, और कंसोलिडेशन के बाद जब ये नीचे निकलेगा तब मैं इसमें ट्रेड प्लान करूँगा। चीज़ क्लियर हो गई आपको
कि ऊपर कप जब यहाँ खुलता है सस्टेन करेगा, ऊपर की साइड जाएगा 45,000 तक की कॉल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा क्लियर रखेगा, क्योंकि जब 45,000 के पास जाएगा तो रेजिस्टेंस कहीं से भी आ सकता है, इसलिए हम स्मॉल स्टॉप लॉस रख के लेके चलेंगे। कि जैसे कि हमने कॉल ली 100 पे, वो 110 चली गई, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम वहाँ पे 102 का लगा लेंगे, ताकि हमारा टैक्स हमारी जेब से ना जाए और हमें कोई लॉस ना हो। 102 और वहाँ पे कॉल कितने चली, 110। अब अगर कॉल बढ़ के 120 हो गई, हम इसे क्या कर देंगे, 115 पे अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि 45,000 के पास खड़ा हुआ है, कभी भी एकदम से रिजेक्शन आएगा और कॉल के प्राइस इतनी तेज़ी से नीचे डाउन होंगे कि हमारे पास स्टॉप लॉस लगाने तक का टाइम नहीं होगा। जब तक हम लगाने जाएंगे ऑलरेडी हमें 1,000-1,200 का लॉस हो चुका होगा। ये चीज़ है, बीच में हमें कुछ नहीं करना, और नीचे की साइड में आपको प्लान करके बता चुका हूँ। तो जितना था मैं आपको सब बता चुका हूँ। आज की वीडियो में यही क्लोज कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।